नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में HP के अलग अलग मॉडल्स के लैपटॉप से, और आपको बताने वाले हैं फीचर्स वाइज, प्राइस वाइज और रेटिंग वाइज कौन सा आपके लिए बढ़िया होगा, कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। हम इस वीडियो में देखेंगे इसके रैम, स्टोरेज, विंडो और इसके प्रोसेसर के आपके लिए कौन सा बेहतर है प्राइस वाइज और फीचर्स वाइज। चलिए देखते हैं इस वीडियो में, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे चार अलग अलग लैपटॉप को कंपेयर किया है आपस में। एक डेल का है और तीन एचपी का है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है एचपी का 14 कोर i3 7th जनरेशन का 14 इंच का लैपटॉप है, और दूसरा है जो एचपी का ही 14 कोर है और i3 है, 7th जनरेशन ही है, 14 इंच का ही है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे एचपी के 15DA0400TU, जो 15.6 इंच का लैपटॉप है। ये भी 7th जनरेशन i3 प्रोसेसर के साथ है। और दूसरा है जो डेल का वास्ट्रो 3581 15.6 इंच का एचडी लैपटॉप है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इसे फीचर्स वाइज, और उसके बाद पहले इसमें शुरुआत करेंगे हम रेटिंग से, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कितने लोग इसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रेटिंग से हमें वही पता चलेगा कितने लोगों ने कितना रिव्यू किया है इसको। तो जो एचपी का जो ये लैपटॉप है दोस्तों, 14Q CS0014TU पहला वाला, तो इसका जो है दोस्तों लगभग 500 लोगों ने इसे रिव्यू किया है। फोर का 5 में से 4 दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तीन और तीन से ज़्यादा रहे तो वो अच्छा माना जाता है। और दूसरा वही है आपका एचपी का 14 कोर i3 7th जनरेशन का, जो 14Q CS0006TU का है। पहला वाला था आपका 14TU था, ये 06TU है दोस्तों। तो ये जो है इसमें लगभग लगभग 700 लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, 3 का रेटिंग दिया है यहाँ पे, तो ये भी लगभग ठीक है। तो आगे देखते हैं हम जो स्मोकी ग्रे कलर में है एचपी का 15DA0400TU 15.6 इंच का लैपटॉप है। 7th जनरेशन का i3 प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है, 40 लोगों ने 3.5 का रेटिंग दिया हुआ है। और वहीं अगर साथ ही साथ हम डेल के साथ इसे कंपेयर करेंगे, तो डेल का जो वोस्ट्रो 3581 15.6 इंच का जो लैपटॉप है, 7th जनरेशन i3 प्रोसेसर है दोस्तों इसका भी, तो इसमें क्या है, 30 लोगों ने 3.5 का रेटिंग दिया। तो रेटिंग वाइज दोस्तों ये पहला वाला जो है 14Q CS0014TU जो काफ़ी बेहतर लोगों ने पसंद किया है और अच्छा 4 का रेटिंग दिया है। और अगर प्राइस से कंपेयर करें तो दोस्तों प्राइस वाइज भी पहला वाला जो है आप देख सकते हैं 14 कोर i3 7th जनरेशन वाला जो 14Q CS0014TU, ये दोस्तों प्राइस वाइज भी 29,850 का है। तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है, कम प्राइस लग रहा है और रेटिंग के हिसाब से। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों CS0006TU वाला जो है, उसमें भी क्या है दोस्तों, रेटिंग अच्छा खासा है लेकिन प्राइस उससे भी कम है। लेकिन इसमें क्या है, रेटिंग जो है 3 का दिया हुआ है, तो लोगों ने पसंद किया है लेकिन उतना खास नहीं किया है, उससे ज़्यादा आपको पहला वाला अच्छा लग रहा है। और बाकी ये दोनों का तो बता दूं दोस्तों कि लोगों ने पसंद भी नहीं किया, लेकिन 31,000, ये क्या है कि 31,384 का इसका प्राइस है। तो इसमें 40 लोगों ने इसको रिव्यू किया है 3.5 का, तो ये भी अच्छा नंबर माना जाता है 3.5। और नेक्स्ट जो डेल का बोस्ट्रो जो है उसे 27,000 उसका प्राइस है, 27-28,000 के आसपास, और 3.5 का रेटिंग मिला है 30 लोगों के द्वारा। तो अगर प्राइस वाइज और रेटिंग वाइज देखा जाए, तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा पहला वाला एचपी का 14 कोर i3 7th जनरेशन 14 इंच का जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला हमने दिया हुआ है जो 14Q CS0014TU, ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है लोगों के द्वारा, और प्राइस भी इसका एट्रैक्टिव है, कम है, मतलब आपको अंडर 30,000 में ये आ जाएगा आराम से। तो चलिए अब फीचर्स और इसके बारे में बात करते हैं। तो तीनों में ही कोर i3 3rd जनरेशन का, इंटेल का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जो काफ़ी स्पीड है और बैटरी लाइफ पे डिपेंड करता है इसका जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग जो स्पीड है, और ये काफ़ी बढ़िया है कोर इंटेल का i3 3rd जनरेशन का है। और स्क्रीन साइज दोस्तों लगभग सबके सेम है, पहला वाला का जो एचपी का है वो आपको 14 इंच का है, और दूसरा जो है वो भी 14 इंच का है, और तीसरा जो आप देख सकते हैं 15DA0400TU का
15.6 इंच का है और डेल वोस्टो का जो है 15.6 इंच का है। तो अगर स्क्रीन वाइज बात करें दोस्तों, तो एचपी का जो 15DA04000TU है उसका स्क्रीन साइज बड़ा है कंपेयर टू दूसरे जो दो एचपी का 14 वाला हमने जिसके बारे में हमने बात किया है, और डेल का बोस्ट्रो का भी वह 15.6 इंच का स्क्रीन साइज है। तो स्क्रीन वाइज तो ये अच्छा है, और आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क लगभग सब में सेम ही है दोस्तों, लगभग 1 TB के आसपास ही है, और ये 1024 GB मतलब लगभग 1 TB ही होता है, तो उसे राउंड फिगर में 1 TB ही लिखा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें दोस्तों, तो इसमें लिनक्स डॉक्स पॉपुलर है, और डॉक्स रिक्वायर्ड सेपरेट इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर यूजिंग द लैपटॉप। लैपटॉप को अगर डॉस लगाना चाहते हैं तो ये इंस्टॉलेशन इसको अलग से करवाया जाता है बिफोर स्टार्ट करने से। तो सब में विंडो 10 का मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ग्राफिक को प्रोसेसर जो है दोस्तों इंटेल का HD ग्राफिक 620 लगा हुआ है आपका, जो पहला वाला है 14 कोर i7 जनरेशन का, जो 29,850 में मिल रहा है, और दूसरा जो 27,990 में मिल रहा है एचपी का, वो इंटेल एचडी ग्राफिक्स लगा हुआ है। और ये जो है आपका 15DA04000TU जो है इंटेल एचडी ग्राफिक्स 620 लगा हुआ है, और डेल का बोस्ट्रो जो है इंटेल एचडी लगा हुआ है, तो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है। ये क्या है दोस्तों, गेमिंग के लिए और आपको वीडियो वगैरह के लिए ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना बढ़िया ग्राफिक्स रहेगा। तो ग्राफिक्स सब में लगभग सेम है, लगभग अच्छे हैं, तो दोस्तों ग्राफिक का तो कोई शक नहीं, ग्राफिक अगर जितना बढ़िया होगा उतना आप इससे गेम खेल सकते हैं, और अच्छा क्लियरिटी के साथ, और वीडियो क्वालिटी जो है आपका बहुत बढ़िया होता है ये ग्राफिक्स अच्छा होने से। तो प्रोसेसर और मेमोरी का बात कर लें दोस्तों, तो प्रोसेसर जो ब्रांड है इंटेल सभी में यूज़ हुआ है, और प्रोसेसर का नाम जो है कोर जैसे हमने पहले बताया था i3 3rd जनरेशन का इंटेल का है। वो डिपेंड करता है आपका कितना मल्टीटास्किंग एक साथ कर सकता है, उसके बाद स्पीड कितना फास्ट काम करेगा उसके लिए प्रोसेसर होता है, स्पीड के लिए होता है, मल्टीटास्किंग के लिए होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए होता है, हैंग नहीं मारता है उससे। तो ये सारा चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो मॉडल नंबर हमने जैसे बताया था 14Q CS00 14TU, जो 29,850 रुपया दाम है उसका, और HP का जो 14Q CS00 00 6TU और जो 31,384 रुपीज़ दाम है जिसका एचपी का, तो इसका मॉडल 15DA04000TU और डेल बोस्टो का मॉडल नंबर है 3581 दोस्तों। अगर लैपटॉप वेट की बात करें तो पहला वाला का जो है 1.47 किलोग्राम मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास है, 1.5 किलो से कम ही है, और जो दूसरा है वो भी 1.5 किलो लगभग सेम ही है, 1.59 kg का है मतलब 1 किलो 600 ग्राम का आसपास है। और जो ये है HP का 15DA04000TU जो है 1 किलो 770 ग्राम का है, मतलब थोड़ा वेट ज़्यादा होगा, और डेल का बोस्टो का वेट ज़्यादा है। मतलब डिस्प्ले साइज अगर देखें तो दोस्तों सभी 14 इंच का है, लेकिन ये जो 15DA04000TU जो है 15.6 इंच का है, और बाकी दोनों HP के जो 14 इंच के हैं और डेल का भी जो है 15.6 इंच का है। तो काफ़ी अच्छा ये स्क्रीन साइज भी है, स्क्रीन का डायमेंशन, और हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों मैकेनिकल हार्ड ड्राइव सभी में यूज़ हुआ है, और स्टोरेज का हमने बता दिया, विंडो का हमने बता दिया है पहले आपको, और ग्राफिक्स जो है वो भी बता चुके हैं हमने, और पोर्ट एंड कनेक्टिविटी जो है दोस्तों USB पोर्ट जो है सभी में दो है, और नंबर ऑफ HDMI पोर्ट जो है HDMI पोर्ट भी सब में एक है, और VGA पोर्ट नहीं है, नंबर ऑफ इथरनेट पोर्ट एक एक है सब में, माइक्रोफोन पोर्ट एक एक है, और कैमरा तो आपको HP का जो ये है HP 14 कोर i3 7th जनरेशन वाला जो है उसका जो दोस्तों उसमें कैमरा भी है, और आप उसमें वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे हिसाब से कि सबसे बढ़िया मुझे कौन सा लगा इन चारों में से, अगर सब चीज़ देखे तो सबसे बढ़िया मुझे लगा पहला वाला, जो HP का 14 कोर i3 7th जनरेशन 14 इंच का है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 4 GB आपका रैम है इसमें, 1 TB हार्ड डिस्क है, और विंडो 10 यूज़ होता है, MS Office और स्मोकी ग्रे कलर में है, और इसका वेट जो है 1.59 kg का है, और मॉडल नंबर 14Q CS00 14TU, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस भी जो है लगभग चारों से
मीडियम है, और मीडियम होने के बाद इसे बहुत लोगों ने पसंद किया, 4 का रेटिंग दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आपको ख़रीदना चाहिए, और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर इसे आप ख़रीदना चाहते हैं इसमें से कोई भी लैपटॉप, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से ख़रीद सकते हैं। आप अगर ख़रीदेंगे तो इंस्टेंटली आपको 2-3 हज़ार से 4 हज़ार 5 हज़ार तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी एक ऑफर चल रहा है, और उस लिंक से आप जाकर खरीदेंगे तो आपको वो ऑफर इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और अगर मान लो आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो, जब अगर आप वो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाए, तो उसके बाद खरीदने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमने ब्लू कलर का, उस लिंक से अगर आप जाके कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको इंस्टेंटली अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो आप देख लेना उस लिंक से जाकर कि कौन सा, मतलब कितना आपके लिए ऑफर है, और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आपको हर समय हमारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।